नमस्कार। वेस्टर्न ओवरसीज की तरफ से कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को मिली है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, वेस्टर्न ओवरसीज की तरफ से बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया जिसमें आइल्स का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। वेस्टर्न ओवरसीज की तरफ से आइल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आइल्स का जो एग्जाम है वो है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टैलेंट हंट, जिसके थ्रू जो है बच्चों की इंग्लिश जो है वो काफी इम्प्रूव होगी। जिसमें वेस्टर्न ओवरसीज की तरफ से लेवल वन का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के सभी जो स्कूल्स के बच्चों थे, हजारों बच्चों ने इस एग्जाम को दिया। लेवल वन को क्लियर करने के बाद आज यहाँ पर लेवल टू का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है कुछ ही देर में। और यहाँ पर जो है लेवल वन से बच्चे जो निकल कर आए हैं, करीब 600 बच्चे लेवल टू एग्जाम में पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि फर्स्ट टाइम जो है वेस्टर्न ओवरसीज की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है। बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उनकी नॉलेज गेन होगी, काफी सारे बेनिफिट्स इस एग्जाम से बच्चों को मिलने वाले हैं। तो क्या कुछ है इस एग्जाम के बारे में, क्या कुछ बच्चों से हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ वो बताना चाहेंगे, उनके पेरेंट्स से भी बातचीत करेंगे, तो जुड़े रहिएगा बी पॉजिटिव न्यूज के साथ। तो आइए बातचीत करते हैं वेस्टर्न ओवरसीज अकेडमी की सेल्स हेड मानसी सिंह से, और उनसे जानते हैं कि आयल का जो एग्जाम हो रहा है उसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे। आयल जो है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टैलेंट हंट है, जहाँ पे हमने एक इनिशिएटिव वेस्टर्न ओवरसीज की तरफ से एक इनिशिएटिव है जहाँ पर हमने बच्चों के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट को उनसे करवाया है लेवल वन में। हजारों स्कूल्स, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें से 600 टॉपर्स आज लेवल टू के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक हम स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे सारे प्रिंसिपल्स, स्कूल्स और पेरेंट्स को, बच्चों को, जिन्होंने हमें इसमें सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग वेस्टर्न ओवरसीज फॉर दिस इनिशिएटिव। तो मैम, ये जो आपने एग्जाम कंडक्ट करवाया है इससे क्या कुछ बेनिफिट मिलेंगे बच्चों को? जैसे कि मैंने आपको बताया एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे इंग्लिश जो है इस पे ग्रिप चाहिए होता है। आगे जाके इमिग्रेशन में जब पढ़ाई करनी होती है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जो सबसे मेन रोल प्ले करता है। जैसे वेस्टर्न ओवरसीज हम डिफरेंट डिफरेंट आईएलटीएस पीटी वो कोर्सेज भी करवाते हैं जहाँ पे बच्चों को बूस्ट अप मिलता है। तो ये एक इनिशिएटिव, और यहाँ से अगर जो लेवल टू में टॉप करेगा वो स्टूडेंट कैश रिवॉर्ड भी पाएगा। तो मैम, इस तरह के एग्जाम जो है वेस्टर्न ओवरसीज क्या कंडक्ट करवाता रहता है या फर्स्ट टाइम ही करवाया है? एब्सोल्युटली, देखिए हम रियलिटी टेस्ट में जाने जाते हैं। वेस्टर्न ओवरसीज काफी जाना माना पाइनियर है रियलिटी टेस्ट का, जिसमें आइल्स के एग्जाम, पीटी के एग्जाम उसका रियलिटी टेस्ट करा रहे हैं। और एक ये नया इनिशिएटिव है जिसमें हम स्कूल्स के साथ जुड़ रहे हैं और बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हैं इस इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। तो मैम, लेवल वन में जो कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया और कितने बच्चे जो है लेवल टू में आज पहुंचे हैं? देखिए लेवल वन में जो है हजारों बच्चे थे, ठीक है, बिकॉज हजारों स्कूल्स थे, राइट, डिस्ट्रिक्ट लेवल का था। तो आज 600 टॉपर्स हैं जो ये लेवल टू का, जो आप सुबह से यहाँ पे देख रहे हैं रश, ये पेरेंट्स बच्चों उनका जो क्रेज है, ये 600 अराउंड टॉपर्स हैं जो ये आज टेस्ट दे रहे हैं। तो मैम, नेक्स्ट प्लानिंग भी है कि इस तरह का एग्जाम जल्द भी होगा, कुछ पता है अभी इस बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए एब्सोल्युटली, जो उत्साह हमें आज दिख रहा है, जो जोश दिख रहा है, जो सुबह से आप लोग भी देख रहे हो, आपके पीछे भी अभी जो चल रहा है, उससे लग रहा है कि ये एक इनिशिएटिव है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है आज। तो वी विल बी, अगर इसी तरह से हमें सपोर्ट मिलता रहा स्कूल्स का, प्रिंसिपल्स का, पेरेंट्स का और बच्चों का, हम आगे भी इसके बारे में करेंगे। तो इसके लिए मैम क्या कुछ प्रिपरेशन रहती है करने के लिए? प्रिपरेशन का तो ये है, वी हैव हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है जो सिर्फ और सिर्फ इस टेस्ट के लिए, या जो डिफरेंट डिफरेंट हम टेस्ट इंडस्ट्री में जिसमें बोलते हैं, हमारी टीम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक हमारी जो टीम है वो आपको आगे ब्रीफिंग कर पाएगी इस बारे में। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहोगी आप वेस्टर्न ओवरसीज के बारे में? वेस्टर्न ओवरसीज एक बहुत बड़ा ब्रांड है और मुझे खुशी होती है कि एक ऐसी कंपनी है जो बच्चों के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस ब्रांड से जुड़ के। तो आप यहाँ पर आईएलटीएस का एग्जाम देने के लिए आए हैं, तो क्या कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे आपको इस एग्जाम को देके? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इंग्लिश इंक्रीज होगी हमारी। मैंने बहुत सुना है वेस्टर्न ओवरसीज के बारे में, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे बच्चों के लिए, काफी सिक्योर फील हो रहे हैं यहाँ पे। इससे हमारा फोबिया खत्म हो जाएगा टेस्ट देने का, कोई भी नॉलेज बढ़ेगी हमारी। हाँ जी, थैंक्स, अ वेरी बिग थैंक्स टू वेस्टर्न ओवरसीज। वेस्टर्न ओवरसीज बहुत अच्छा ब्रांड है देखा जाए, जिससे हमें आगे एक्सपीरियंस मिलेगा, जो हमें आईलेट्स करने होगी उसके बारे में नॉलेज मिलेगी हमें। सो वेस्टर्न ओवरसीज बहुत बेस्ट है। थैंक्स। मैं यहाँ आईलेट्स का सेकंड लेवल देने आई हूँ, मुझे आशा है कि मेरा पेपर अच्छा होगा। फ्रॉम वेस्टर्न ओवरसीज। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, काफी अच्छा
आउटपुट मिलता है यहाँ से। बच्चों को भी काफी आसानी होती है इनसे पढ़ के आगे जाने में काफी। हाँ जी, थैंक यू वेस्टर्न ओवरसीज का बहुत बहुत जो हमें ये चांस दिया इन्होंने। बच्चे लेवल 2 का एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं, उनके पेरेंट्स उन बच्चों का बाहर वेट कर रहे हैं, तो आइए इन पेरेंट्स से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये जो एग्जाम वेस्टर्न ओवरसीज की तरफ से कंडक्ट करवाया गया है, कितना फायदा मिलने वाला है बच्चों को, क्या कुछ कहेंगे पेरेंट्स, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा है, बच्चों की बेसिक नॉलेज बढ़ेगी, बाहर जाने वास्ते पता चलेगा, बच्चों को नॉलेज मिलेगी कि आगे जाना कितना की करना है। आप कहाँ से आए हैं? लाडवा से। तो आपके बच्चे ने भी लेवल 1 का एग्जाम दिया होगा, तो उसके बाद जब बच्चा लेवल 2 में पहुंच रहा है तो उसके लिए प्रिपरेशन भी करी होगी कुछ? हाँ जी, हाँ जी। कि यहाँ पर जो है कैश प्राइज भी रखा गया है, उसके लिए भी बच्चा मेहनत करता है, तो इससे कहीं ना कहीं बच्चे को बेनिफिट होता है। हाँ जी, जिसमें स्कॉलरशिप वगैरह क्या रखी है मैम ने, अगर बच्चा अच्छे नंबर लेके आंदा है स्कूल की तरफ तो स्कूल का नाम भी होगा, पेरेंट्स का भी होगा, बच्चे का भी होगा। आप कहाँ से आए मैम? से आए हैं। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना बेनिफिट मिल रहा है बच्चे को इस एग्जाम से? बच्चों को एग्जाम से एक्सपीरियंस होएगा, नॉलेज बढ़ेगी उनकी, कॉन्फिडेंस आएगा उनको। हाँ जी। तो आप कहाँ से आए मैम? और से आए जी। तो ये जो लेवल 1 का एग्जाम हुआ, ये स्कूल में हुआ होगा, उसके बाद बच्चे ने क्लियर किया, कितनी प्रिपरेशन इसको करी होगी और कितना बेनिफिट बच्चे को मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा, क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा? आपको लगता है आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे इस एग्जाम को लेकर? हाँ जी, पढ़ तो रहे हैं जी, हमारा भी सपना जी बच्चे पढ़ लिख कर जी बाहर जाएं जी। हाँ जी, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस तरह के प्लेटफॉर्म बच्चे को मिलते रहने चाहिए, इस तरह के एग्जाम होते रहने चाहिए, वेस्टर्न ओवरसीज का ये कदम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके इनिशिएटिव के बारे में? जी बिल्कुल, मिलते रहने चाहिए, इससे बच्चे की नॉलेज भी बढ़ती है, और देखो पैसे का तो ऐसा है, अगर बच्चा उसमें दिमाग है वो कुछ कर सकता, पैसा तो बाहर भी कमा लेगा, तो इस वो तो आगे जाके कामयाब हो, बाहर के बारे में उसको पता लगे, इससे तो मतलब बस यही सोच रहे हैं भी उनको, उनकी नॉलेज बढ़े, उनको पता लगे बाहर क्या है कैसे है। पेरेंट्स तो बहुत से ऐसे हैं जी, देखो हम मिडिल क्लास हैं और पढ़े लिखे भी कम है, हमें इन चीजों की नॉलेज भी कम है, बच्चों से ही पता लगता है अभी हाँ वो क्या कर रहे हैं, फिर हमें खुशी होती है अभी वो किसी अच्छे स्कोप में आगे जा रहे हैं। हाँ जी, लेकिन ये मौका मिला है तो वेस्टर्न ओवरसीज के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है, तो वेस्टर्न ओवरसीज ने ये प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगी? हम उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे जी, उन्होंने हमारे बच्चों को इस काबिल समझा और मतलब यहाँ तक आए बच्चे, उसके लिए फिर से एक बार थैंक्स। आप कहाँ से हैं? हम पिपली से हैं मैम। पिपली से, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना फायदा मिल रहा है बच्चों को ये टेस्ट देके? बच्चे अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, नॉलेज आ रही बच्चों को, बाहर आके पता लग रहा है अभी क्या कुछ है। हाँ जी, आपका बच्चा है एग्जाम देने के? हाँ जी मैम, हमारी बेटी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे वेस्टर्न ओवरसीज के बारे में कि इतना बड़ा एग्जाम वो कंडक्ट करवा रहे हैं, तो क्या फायदा क्या मिलेगा बच्चों को? मैम उनकी एजुकेशन बढ़ेगी, इसलिए हम आए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बच्चों का अपने, ताकि उनके भविष्य अपने भविष्य की ओर आगे बढ़े। वो तो कहाँ से आए हैं आप? हम संतोषपुर से आए हैं जी। तो आपका बच्चा भी टेस्ट देने के लिए आया? हाँ जी। उसने भी लेवल 1 क्लियर किया होगा? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे वेस्टर्न ओवरसीज के बारे में कि इस तरह का प्लेटफॉर्म बच्चों को मिल रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे? ये जो उन्होंने उपराला किया है ये बहुत बढ़िया है जी, ये बच्चों को पता लगता है एग्जाम में बैठने का, उनको टेस्ट देने का, उनको आगे पैटर्न का पता लगेगा, और बच्चे अपना पेपर दे कर जाएंगे उनको पता लगेगा हमारी पोजीशन क्या है, यहाँ पर हमारा क्या टैलेंट है, ये बहुत बढ़िया किया है इन्होंने और ऐसे होते रहना चाहिए, ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? इस्माइलाबाद से। इस्माइलाबाद से आए हैं, तो लेवल 2 का एग्जाम आपका बच्चा यहाँ पर देने के लिए आया है, तो इस एग्जाम से आपको क्या लगता है क्या फायदा मिलेगा बच्चे को? नॉलेज मिलेगी बच्चे को जी, इंग्लिश मीडियम जैसे बच्चा पढ़ता है, इंग्लिश में नॉलेज मिलेगी, बाहर विदेश में या कैसे भी है, नॉलेज के लिए बहुत बढ़िया है। तो वेस्टर्न ओवरसीज की तरफ से ये एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया गया, तो आप चाहेंगे कि इस तरह के एग्जाम्स होते रहें? बिल्कुल जी, होते रहने, बच्चों को नॉलेज मिलती है, परिवार को नॉलेज मिलती है, आने जाने में होना चाहिए, बिल्कुल जी बिल्कुल, कंपनी से कॉन्टैक्ट होना चाहिए, जैसे कर रहे हैं बहुत बढ़िया।
तो देखा आपने, हमने पेरेंट्स से बात की, सभी पेरेंट्स का यही कहना है कि वेस्टर्न ओवरसीज की तरफ से आईएलटीएस का जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है, आईएलटीएस के बारे में एक बार मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टैलेंट हंट, जी हाँ, पहले लेवल वन का जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, उसमें से करीब 600 बच्चे जो हैं वो आगे आए और आज उनका ये एग्जाम यहाँ पर हो रहा है। तो पेरेंट्स का यही कहना है कि इस एग्जाम के थ्रू जो बच्चे की है नॉलेज कहीं ना कहीं गेन होगी, कॉन्फिडेंस उनका गेन होगा और वेस्टर्न ओवरसीज का वो बहुत थैंक्स कर रहे हैं, थैंकफुल है वेस्टर्न ओवरसीज के लिए कि इस तरह के जो एग्जाम्स वेस्टर्न ओवरसीज की तरफ से ये करवाया गया है, उससे बच्चे को आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं जरूर फायदा मिलेगा। और उनका ये भी कहना है कि इस तरह के एग्जाम जो है, इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है वो बच्चे को मिलते रहना चाहिए ताकि आगे अपना वो फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं ब्राइट कर सके। मैं नेहा शर्मा, बी पॉजिटिव न्यूज, कुरुक्षेत्र।